तो जा रहे हैं चूलगिरी और पहुंचने वाले, सर्दी भयंकर लग रही है भाई इधर। तो दोस्तों बाकी मेरी इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी चूलगिरी जाने की, क्योंकि लास्ट टाइम मैं अपनी एक्स के साथ गया था। पहाड़ी इलाका हर जगह सेम ही लगता है दिखकर, बस रास्ते बदल जाते हैं जैसे उसके और मेरे बदल गए। अब भाई आज की तारीख में भी इतनी है ना, मतलब फ्रेंड्स वगैरह कि पूरे दिन रात सुबह शाम घूम सकता उनके साथ, पर नहीं भाई मन ही नहीं करता बिल्कुल भी मन नहीं करता भाई। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों चूलगिरी जाने के लिए निकल गए और सर्दी लग रही थी इसलिए अमन की जैकेट वैकेट पहन कर आ गया भाई। और अभी चाय पानी नाश्ता, भूख लग रही है, बिस्किट खिला रहा है यूट्यूबर। तो क्या है, मैंने नियम बांधा है साल में सुबह रोज मैं कुत्तों को बिस्कुट खिलाऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि भाई सुबह सुबह घूमने का प्लान बना लिया वापस से, आज चूलगिरी जाने का मन करा इनका और हमारा भी, बाकी दर्शन इनको करने थे यार, बहुत टाइम से मन कर रहा है मेरा, चूलगिरी नहीं देखा मैंने, तो देखा कि दिखा के लाए इनको, चल कर आ जाते हैं सुबह सुबह। फिर तो जा रहे हैं चूलगिरी और पहुँचने वाले, सर्दी भयंकर लग रही है भाई इधर आगरा रोड की साइड। तो दोस्तों बाकी मेरी इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी चूलगिरी जाने की, क्योंकि लास्ट टाइम मैं अपनी एक्स के साथ गया था और फिर वही है कि फिर से यादा ताज़ा होए और दुख बहुत देती है फिर यार ये पुरानी यादें जब झुलती ना इसके अंदर, इसलिए चूलगिरी गया था उसके साथ। अब जैसा भी मानो भाई आप लोग, पर वही है, लग रहा है सोच रहा हूँ यार क्यों ना जयपुर ही छोड़ दूँ साला, हर एक जगह पे उसके साथ बिताए पल याद आते हैं और दुख बहुत देते हैं भाई। सर्दी यार भयंकर सर्दी यार इधर, तो लोग कमेंट डालेंगे बहन तो ये गाड़ी में तीन लोग भाई पहले भी सर्दी पहले भाई बिना शर्ट के, ओ बिना शर्ट के क्या मतलब, सिर्फ शर्ट में आ रहे थे तीनों, फिर उसके बाद सोचा कि यार क्या पता सर्दी लग जाएगी, तो अच्छा है वो तो जैकेट पहनी है तीनों, वरना हालत खराब हो जाती है भाई, इतनी भयंकर सर्दी है यार यहाँ पे। मैं तो तब से वहीं से ये खातों से गाड़ी चलाते आ रहा हूँ, हम तीन खट्टे होके भी भाई गाड़ी से जा रहे हैं, आलस आ रहा है, लोग पीछे देखो वॉक करके जा रहे हैं भाई इतना ऊपर पूरा चढ़ाई पे, लोग सो के उठ के नहा धो के आ रहे हैं, हम कहाँ सोए। तो यार अपना रूटीन ही ऐसा बना हुआ है, अपनी भी क्या गलती इसके अंदर यार, क्या ही कर सकते हैं, सोने का कुछ पता नहीं, खाने का कुछ पता नहीं, गाड़ी ऊपर तक चल तो जाएगी ना मतलब। अरे यार चलेगा, चल अब यहाँ तक लेकर आया तो ऊपर नहीं जाएगा क्या, व्यू आ रहा है धीरे-धीरे, व्यू आ रहा है। अब पहाड़ी इलाका हर जगह सेम ही लगता है दिखकर, बस रास्ते बदल जाते हैं जैसे उसके और मेरे बदल गए। अब ये सब जो बोल रहे हैं ना ब्लॉग में, सब बदल गया, ये हो गया, ये किया, तो यूट्यूब में चैनल में एक लड़की कमेंट कर रही है, चाहती है इसको, उसको सेट करने का प्लान कर रहा है। ऐसे तो बहुत है भाई, अगर ऐसे ही गर्लफ्रेंड बनाने पर आ जाओ ना तो पता नहीं कितनी बन जाए भाई। तुझे उसमें दिल आया भाई ना, समझे आज की तारीख तुझे आज... तो उसमें दिल आ गया ना भाई, आज की तारीख में भी इतनी है ना मतलब फ्रेंड्स वगैरह कि पूरे दिन रात सुबह शाम घूम सकता उनके साथ, पर नहीं भाई मन ही नहीं करता बिल्कुल भी मन नहीं करता भाई। तो लोग एक दिन बात करता हूँ अगले दिन फिर मन हट जाता है। अभी कुछ टाइम पहले एक फ्रेंड से मिलने गया था, बताया था ना मैं तेरे को उसका, समझ गया ना भाई, इतनी सुंदर लड़की थी कसम से, इतनी सुंदर लड़की, पर वही साथ बैठा ना थोड़ी देर तो यूँ हो गया कि यार क्यों ही बैठा हूँ, मतलब क्या ही मतलब निकल रहा है, वही फ्लैशबैक में जाना, फिर हटाओ यार काम पे ध्यान दो, काम पे फोकस करो। तो हमें तो तुझे तो कुछ अलग बोला था क्या, मिलते हैं भाई आगे मिलते हैं। भाई ये पीछे का व्यू देखो, दिख रहा है तो है ना, गजब का है ये व्यू, लोग ऊपर जाके चढ़ जा रहे हैं भाई, हर बार की तरह चोट, गेट बंद 7 बजे, अरे 6 बजे टाइमिंग डाला यार, 7 बजे तो 6:10 हो गए इसलिए आया था ऊपर। भैया तुम किधर से ऊपर गए, अरे वहाँ पे ऊपर कैसे, अरे ऊपर कैसे आएंगे वहाँ पे, अरे ऊपर कैसे आएंगे, गन निकाल लो अपनी,
एक ही अब्दुल ले ले। व्यू देखो गाइस यहाँ का, क्या ही सुकून भरा। इधर पहाड़ी पहाड़ नहीं, वो आगे वाले रास्ते पे, ये पीछे वाला है ना। तो दोस्तों यहाँ से निकल रहे हैं वापस, क्योंकि क्या बोले कि 9 बजे आ जाना, 9 बजे गेट ओपन होगा ये वाला। और एंट्री भी जो है आधार कार्ड से है, और वो भी फिजिकल, मोबाइल वगैरह में नहीं चलेगा। तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पे रुकने के लिए 9 बजे तक। अभी बज रहे हैं क्या टाइम, 6 बज रहे हैं अभी। हाँ तेरी जनता को बता दे, सही देता है। हाँ इतने बजे आना, तो गलत इन्फॉर्मेशन दिया ना इसने। क्या सही दिया इन्फॉर्मेशन, क्या गलत दिया? तो आधार कार्ड लेकर मोबाइल से भी दिखाओ। मोबाइल से नहीं दिखाना, फिजिकल लगेगा, ये बोला मैंने। हाँ तो फिजिकल क्यों भाई, मोबाइल से दिखाओ। आजकल पूरा नहीं, वो नहीं देखते, वो फिजिकल देखेंगे। हाँ पूछा ना तूने। दोस्तों यार ये बड़ी गंदी चोट हो गई हमारे साथ, हम दोनों को यहाँ रोक दिया अंकल जी ने, उनको जाने दिया। क्या करे भाई, हिंदू पैदा हो गए। बोले सिर्फ जैन अलाउ है सुबह सुबह की आरती में, पर भाई अपन हिंदू में घमंड है, इसलिए हमको जाने नहीं दिया। उनकी आईडी चेक करी और उनको भेज दिया, और हमको बोला 9 बजे बाद आना। फिर इतनी दूर आए तो हम ऐसा भी नहीं कि यार उनकी इच्छा थी, मैं बोला आप जा कर आओ आरती वारती कर कर आओ। अब हम बैठेंगे यहाँ पे थोड़ी देर, यहीं बैठ के थोड़ी देर व्यू का मजा लेंगे जब तक वो आ जाए। अंदर जंगलों में चलते हैं देखे भाई, उनको आने में तो टाइम लगेगा। हम बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो सोचा क्यों ना पैदल पैदल नीचे चल चले। 2 किलोमीटर का ट्रैक है, 2 ही बताए थे ना, 2 किलोमीटर का ट्रैक है ये वाला। तो जब तक वो आरती वारती कर कर आएंगे, दर्शन कर कर आएंगे, तब तक हम नीचे पहुंच जाएंगे। तो बैठ के बोर होने से अच्छा नीचे चल चले, थक गए यार हम, नींद भी आ रही है भाई। आज से मैं ना एक वचन ले रहा हूँ। नहीं वचन रुक जा। दे भाई वचन दे भाई। पूरा चलते चलते नीचे पहुंच गए, पूरा आधा घंटा लगा नीचे चलने में यार, हालत ख़राब हो गई। और हाँ आज से मैं ना एक वचन ले रहा हूँ। वचन क्या है कि भाई अब से मैं किसी भी वीडियोस में, आने वाली जितनी भी वीडियोस होगी मेरी, उसमें मैं अपनी पुरानी बातें मतलब एक्स की कोई भी बात नहीं करूँगा, किसी भी चीज़ से रिलेटेड मैं उस चीज़ का जिक्र करूँगा ही नहीं अब से अपनी वीडियोज़ में। क्योंकि भाई परेशान हो चुका हूँ यार खुद भी, यार क्या ही मतलब, खुद में प्यार ढूंढो, अकेले खुश रहना सीखो, वो वाली सारी चीज़ें, गया जो गया। तो अब से ब्लॉग्स में बातें होना बंद। चढ़ इधर से, चढ़ना है साले इधर से, चढ़। हाँ बिना हाथ लगाए चढ़। हाय 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 अकेला झूला खाता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। पास में बगल वाला झूला खाली पड़ा है। मैं आ रहा हूँ ना। आजा तू आजा, कोई भी खाली चीज मुझे रखनी नहीं अपने पास में, सिवाय दिल के। सिवाय दिल के सही बोल दिया। आज मैं इतना तेज झूला खाऊंगा कि सीधा छलांग मारूंगा करतारपुरा में। अरे वो फोन कर रहे हैं, वो खा रहे क्या, वो अमर महावीर संगामी रे। भाई इसको कोई जैन ही नहीं मान रहा था। कोई जैन ही नहीं मान रहा भाई, आधार कार्ड दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, बोले संगामी जैन नहीं होते भाई। फिर बोले अब मंत्र पढ़ाओ, मंत्र सुनाया, ये करा वो करा, उसके बाद जाके एंट्री दी उनको। अब कौन बोले शक्ल से जैन लगता है क्या भाई, कमेंट में बताना। और किसी को मेरे बगल वाले झूले की सीट को फुल करना है तो कमेंट में बताइए। अरे इसको तो लात दे के उतार देंगे अभी। यार काफ़ी देर से वेट कर रहे थे यार इनका, यार वेट करते करते हालत ख़राब हो गई हमारा दोनों का। प्रेशर बन रहा है बहुत गंदा। क्या हो गया? प्रेशर बन रहा है बहुत गंदा दोनों का हमारा। अरे यार सो गाइस अमन से वेट नहीं हो रहा, अमन का प्रेशर इतना ज़्यादा बन रहा है, इसलिए पेट्रोल पंप पर लेकर आया इसको। हटो 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 भैया, इमरजेंसी। आधी बार आ गई बाकी जब भाग के जा, निकल गई।
रुकने का सिस्टम होना चाहिए। भाई मेरे से भी बिल्कुल नहीं रुका जा रहा था, इसलिए लेडीज में जाकर आया मैं तो। अब जाके राहत मिली। सो गाइस, चूल गिरे से आने के बाद सो गया था और उसके बाद अभी उठा हूँ और नहा कर आया हूँ। फ्रेश हो गए बिल्कुल एकदम, नींद खुल गई, नींद उड़ गई। अब मम्मी को छोड़कर आना है। कहाँ पे छोड़कर आना है? मम्मी को छोड़कर आना है। मम्मी की एग्जीबिशन लगी हुई है मेहंदी की, जवाहर कला केंद्र, तो वहाँ पे छोड़कर आना है। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म और कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू नहीं, नए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अभी पूरा बताता हूँ, सारा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कहाँ पे क्या स्टॉल लगा रखी है मम्मी ने और मम्मी का क्या काम है क्या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्यार दिखाना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रेडी होकर मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। पंजाबी नहीं फसनी तेरे तो ए कुड़ी ए पटाकी नहीं फसनी किसे।